उसे
उससे पहले मैं मैसेज जो सुनाना चाह रहा था वो मैसेज कोई और था, जिसकी मेरी तैयारी थी वो मैसेज कोई और था। लेकिन सुबह सवेरे जब भाई हसन ने मुझे कॉल किया, गुलाम खुदा ने मुझे कोई और मैसेज दे दिया, कोई और मैसेज दे दिया। इसलिए कि 30-40 साल जब खुदा के खादम ने यहाँ पर हिम्मत की तो जान की शादी के साथ और बहुत सारे शहीद उनके हिम्मत करते, जब मैं ज्यादा बनने के लिए छोटा सा, तो मैं किसी से बात कर रहा था कि हमसे पहले भैया की बहने और भी खादम में बहुत सारे लोग थे जो हम उसकी जाने बढ़ते हैं। तो खुदा में मुकदस में खुदा के शकीर पदरस की जाने में हम जब चलते हैं तो पदरस में एक दम बैठे हुए थे, तो खुदा यसु जी के पास था, तो खुदा यसु जी से सवाल किया कि तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या। जैसा कि अभी मैं बता रहा हूं कि जितने भी खुदा के खादम के शागिर्द थे सभी आज कुछ ना कुछ हिम्मत कर रहे हैं, तो यहां पर भी शागिर्द कह रहे हैं हमें क्या मिलेगा। तो आज जो हवाला पढ़ा गया रोमियो के अंदर जो आज हमने पढ़ा, वहां पर खुदा के कलाम में आखिरी आज जो हमने पढ़ी 23 में है, लिखा मिला, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। क्या हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं या गुनाह में बदलना चाहते हैं? खुदा का नाम जो बयान से बाहर है तो तभी समझ आती है, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज हमें भी अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं, जब पिछला मैसेज हुआ किसी को याद है वो कहां से हुआ, अपना हाथ खड़ा कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आज लोगों को पता है। तो कोई भी बता सकता है भाई भाई हमें से कहां से पता, कहां से ऊंचा हो गया लेकिन कहां से हमारे लिए खुदावंद क्या करता है आज हम सीखेंगे खुदा के।
कलाम में से। तो बाइबल मुकद्दस में जब हम मुताला करते हैं पदाइश से लेकर मकाशवा तक, पदाइश से लेकर मकाशवा तक, तो खुदा के कलाम में 527 दफा गुनाह का जिक्र है। कितने दफा? 527 दफा गुनाह का जिक्र है। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं
रू यीशु को जगह में ले गया।
जिंदगी हासिल करने
दो दिए गए उसने दो के साथ और जिसको पांच दिए
रखता है तो खुदावंद खुदा अपने खानों के साथ होता है और खुदावंद खुदा अपने उन दरवाजों के अंदर जिसका मकाशवा में जिक्र है कि वो अपने पास क्या रखता है, कुंजी रखता है जो दाऊद की असल है और वो हमें दरवाजा दिखाता है कौन सा, जहां पर 24 वसूल और जो सोने का ताज पहने हुए हैं। तो मेरे जो वही जगह है, इसीलिए तो लिखा मिलता है कि वो है जगह सोने सुखा हिस्सा मेरा। तो अगर हमें सुखा हिस्सा लेना है तो गुलाम खुदा के हुक्मों पर अमल करें। सुखा